वेलकम टू माय चैनल एसएच ट्यूटोरियल्स बच्चों आज हम लोग कैपेसिटर की बात करते हैं जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हों और पैरेलल में कनेक्ट हों तो उनका इक्वलेंट क्या होगा इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत कुछ समझा है बहुत कुछ पढ़ा है आज कैपेसिटर की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज यानी जब कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हो तो सर्किट डायग्राम आपके स्क्रीन पे तीन कैपेसिटर्स हैं C1, C2 और C3 और ये लोग आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं इनकी एक प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू है दूसरी प्लेट पे चार्ज माइनस क्यू है ठीक है अब C1 के करॉस वोल्टेज क्या है V1, C2 के एक वोल्टेज क्या है V2 टी थ्री के क्रॉस वोल्टेज क्या है वी थ्री और वी जो है वो सप्लाई वोल्टेज है आई जो है वो सप्लाई करंट है ठीक है राइट हैंड साइड में हमने उनका इक्वलेंट डायग्राम बना दिया है अब हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि सी इक्वलेंट होगा कितना ठीक है तो चलिए निकालने की कोशिश करते हैं तो आप जानते हैं कि फार्मूला आपको पता है क्या फार्मूला है यू इज़ टू क्यू इज इक्वल टू टी इंटू बी ठीक है करेक्ट तो सी की वैल्यू क्या हो गई बच्चों क्यू अपॉन बी यही हो गई ना बस अब इसी से आपने सारे वैल्यूज निकाल लिए आपने सबसे पहले इक्वलेंट सर्किट का वैल्यू निकाली तो इक्वलेंट सर्किट में क्या होगा क्यू अपॉन सी इक्वलेंट Equal to, हमने तो क्यू अपॉन सी वन प्लस क्यू अपॉन ओहो दिस इज सी टू दिस रियल आप देखिए इसमें Q जो है वो कॉमन है तो Q को बाहर ले लिया ब्रैकेट में क्या बचा वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री अब Q जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है इसलिए इसको कर दिया कैंसिल तो अब आपके पास सी इक्वलेंट की वैल्यू आ गई अब अगर आपके पास तीन से ज़्यादा कैपेसिटर्स हैं और वो सीरीज़ में कनेक्ट हैं तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे एन की वैल्यू नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स हैं चाहे वो चार कैपेसिटर हों चाहे वो पाँच कैपेसिटर हों तो आपको ये फार्मूला याद रखना है ये फार्मूला रेजिस्टेंस के केस में बेटा क्या था जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते थे तो ये फार्मूला हम लोग लगाते थे लेकिन कैपेसिटर में जब कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला फार्मूला याद रखिए ठीक है. है अगर मान लीजिए चार कैपेसिटर हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी उनकी वन अपॉइन सी वन प्लस वन अपॉइन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री प्लस वन अपॉन सी फोर तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आ गया अब अगला लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें आप देख पा रहे होंगे कि तीन कैपेसिटर जो हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं और वोल्टेज इसमें अप्लाई किया गया है आई जो है वो करंट है तो आपको पता है कि सीरीज में जो है करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज जो है वो ईच कैपेसिटर विल रिमेंस द सेम राइट हैंड साइड में हमने उसका इक्वलन डायग्राम बनाया है इसी तरह से कैपेसिटर की एक प्लेट पे चार्ज प्लस क्यू वन है दूसरी पे माइनस क्यू वन है इसी तरह सी टू पे एक प्लेट पे प्लस क्यू टू है माइनस क्यू टू है प्लस क्यू थ्री है और माइनस क्यू थ्री है अब ये सब कनेक्ट है पैरेलल में अब इनका इक्वलेंट क्या होगा तो कैपेसिटर आपको पता है क्यू इज इक्वल टू सी वी तो आपने पहले वैल्यू निकाल ली कि साहब सी वन पे आ, कितना चार्ज है तो वो C1 वन इंटू बी सी कितना चार्ज है ठीक है इसी तरह से C3 पे कितना चार्ज है यानी थर्ड कैपेसिटर पे Q3 थ्री इज इक्वल टू सी थ्री इंटू वोल्टेज अब टोटल चार्ज कितना हो गया Q1 वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए वोल्टेज तो देखिए इस इक्वेशन में ये जो है ये इक्वलेंट डायग्राम की का फार्मूला लिखा हुआ है तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे U इक्वल एंट इन टू बी इज इक्वल टू सी वन बी प्लस सी टू वी प्लस सी थ्री बी प्लस सी थ्री वी देखिए कॉमन फैक्टर है यहां से बाहर ले लीजिए सॉरी दिस शुड नॉट बी दिस शुड बी वी विद इन ब्रैकेट यू विल गेट C1 वन प्लस सी टू प्लस सी और ये क्या है यू इक्वलेंट इन टू वी तो देखिए V और V तो कैंसिल हो गया अब आपके पास इक्वलेंट कैपेसिटर कैपेसिटेंस कितना आ गया इन तीनों का सम आ गया C1 वन प्लस सी टू प्लस सी यही तो आया तो जब सीरीज सी पैडलन में कनेक्ट होंगे तो इक्वलेंट कैपेसिटर क्या होगा सिंपल उनका सम होगा अगर एन नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं तो आप एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स का फार्मूला लगा सकते हैं सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री एन टू सी एन एन जो है वो कोई भी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी अब आइए इस पर एक नुमािकल लगाते हैं तो ये सर्किट आपको दे रहा है कह रहा है कि टोटल कैपेसिटेंस बताओ तो यहाँ पे देखिए कि ये फोर और ये फोर सब माइक्रोफरड में है तो ये सीरीज में तो इनका हम पहले इक्वलेंट निकाल लें तो कितना आया? प्रोडक्ट अपॉन सम याद रखिए कि जब दो रेजिस्टेंस हो या दो कैपेसिटेंस हो तो उनका प्रोडक्ट अपॉन सम यानी प्रोडक्ट कितना हुआ फोर इंटू फोर अपॉन फोर प्लस फोर तो कितना आ गया टू तो माइक्रोफेरेट तो इस पूरे की जगह हम टू माइक्रोफेरेट का एक कैपेसिटर लगा दें अब वो टू माइक्रोफेरेट जो आया यहाँ पे वो ये और ये वाला पैरेलल में हो गया तो ये पैरेलल में फार्मूला क्या है सी वन प्लस सी टू तो हमने ऐड कर दिया क्या बन गया फोर माइक्रोफेरेट अब इतना तो आपने सॉल्व कर लिया भाई ये पोर्शन आपने सॉल्व कर लिया और इसकी वैल्यू आपके पास आ गई फोर माइक्रोफेरेट अब ये फोर माइक्रोफेरेट वाला कैपेसिटर जो है वो फाइव माइक्रोफेरेट के सीरीज में है तो चलिए फिर से फार्मूला लगाइए तो आप यानी प्रोडक्ट अपॉन सम तो आ कितना आ गया टू पॉइंट टू टू माइक्रोफेरेट तो आप सर्किट में देखिए आप कि ये पूरा सर्किट आपने सॉल्व कर लिया अब ये टू ये वाला टू माइक्रोफेरेट जो है वो इस कॉम्बिनेशन के पैरेलल में है तो फिर पैरेलल में क्या करते हैं कि वन प्लस क्यू टू तो यानी टू प्लस टू पॉइंट टू टू तो ये फार्मूला पा, से आपने निकाल लिया फोर पॉइंट टू टू अब फोर पॉइंट टू टू कैपेसिटर जो है वो इस थ्री के साथ सीरीज में हो गया तो सीरीज का फार्मूला लगा दीजिए प्रोडक्ट अपॉन सम आपका ये इक्वलेंट कैपेसिटर आ गया ठीक है बहुत सिंपल है कोई मुश्किल नहीं है बस ध्यान देने वाली बात है आपको फार्मूला याद रखना है और विद इन ए ट्वेंटी सेकेंड आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि इक्वलेंट कैपेसिटर क्या होगा अब देखिए ये नीट का क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसको जरा ध्यान से देखिएगा वो ये कह रहा है कि ये सर्किट है और इसका आप वो बता दीजिए साहब टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा आप फौरन जो आपके एमसीक्यू में ऑप्शन दिए हैं बिना सोचे समझे आप दो सेकंड के अंदर टिक लगा दीजिए क्यों कैसे टिक लगाएंगे कैसे पता चलेगा अब देखने में तो तीन कैपेसिटर हैं लेकिन एक्चुअल दो ही कैपेसिटर्स हैं क्यों कैपे इसलिए क्योंकि ये जो कैपेसिटर है ए और बी जो है ये आपने देखिए इससे शॉर्ट कर दिया है बेटा इससे शॉर्ट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ का पोटेंशियल वी है तो यहाँ का पोटेंशियल भी वी होगा तो जब पोटेंशियल दोनों एंड का पोटेंशियल सेम होगा तो इस कैपेसिटर के ऊपर कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होगा है ना जैसे रेजिस्टेंस में होता है रेजिस्टेंस में आप क्या करते हैं अगर आप ध्यान दें एक रेजिस्टेंस ये है और एक सप्लाई वोल्टेज ये है और इसको शॉर्ट कर दें ठीक है तो क्या होता है करंट जो है फिर वो इस डायरेक्शन में जाती है इस रेजिस्टेंस में नहीं जाती है क्यों क्योंकि करंट हमेशा लीस्ट रेजिस्टेंस फॉलो करती है तो यहाँ पे लिस्ट रेजिस्टेंस है तो इसका तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आता है ज़ीरो आता है वही चीज यहां पर भी है कि ए और बी टर्मिनल आपने तो शॉर्ट कर दिए हैं तो शॉर्ट करने से क्या होगा ए के ऊपर जो पोटेंशियल है वही बी पे पोटेंशियल होगा और जब पोटेंशियल सेम होगा तो ये जो है ये कैपेसिटर इस पर कोई चार्ज अकोमलेट नहीं होगा तो अब बच गए आपके पास दो कैपेसिटर और दोनों है पैरल में आंसर हो गया टू सी ठीक है ना बिल्कुल सिंपल लगाना दो सेकेंड बस आपको यही ध्यान रखना है अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिले और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बच्चों अपने प्यारे प्यारे कमेंट से हमको ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई या आप और किस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएँ So, please subscribe my channel, like, and share the video. Thank you.